about the void created on earth due to the lack of those selfless and ideal teachers of the Indian Gurukul of the past, called Acharya. The Indian society then was replenishable and non-deteriorating, since whatever the circumstances and attitudes of the parent be, their children were sent to Gurukul at the age of 5. There, they became the masters of the subjects of their choice of knowledge. Then they would return as a fresh youth back to the society, thus making the society as fresh and new forever, eternally. This is in contrast with the present times. We love you, oh teacher, oh teacher, oh teacher, we love you, oh teacher, we can. हमारे देश में ऐसे ऐसे कोहिनूर हैं, ऐसे ऐसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो जिससे पूरे दुनिया में लोगों ने जब जब जाना है, उन लोग बड़े बड़े महान हुए हैं। तो वही सब कोहिनूरों को जो संस्कृत में है, उसको मैं तुम लोगों को पढ़ूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। देयं भोज्यत धनं सदा सुकृति भिनोई संजीतव्यं कदा श्रीकर्णस्य ब्लेश्च विक्रमपतेरधापि कीर्तिः स्थिता अस्माकं मधु दानभोगर हितं नष्टं चिरात् संजीचतं निर्वाणादिति पाणिपादयुगलं धर्षन्त्यहो मक्षिकाः। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ये कहा गया है कि कोई कोई चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि खाने पीने की वस्तु, उसके बाद धन धान्य, ये सब चीज़ों को जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन लोग इसको संग्रह करके नहीं रखते हैं, इसको बचा के नहीं रखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको दान दे देते हैं। क्योंकि हमारे देश में, हमारे संस्कृति में कई ऐसे राजा हो चुके हैं जिनको आज भी हम लोग महादानी के हिसाब से जानते हैं, जैसे कि महाराज बलि, विक्रमादित्य, महाराज कर्ण, ये सब अपने दान के लिए, इनके पास कोई जाता तो कुछ भी मांगता, उसको वो दान देने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। और यही जो तत्परता था इनका, इस तत्परता के कारण आज भी हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद भी सब इन लोगों को याद रखते हैं। तो इसमें, इस श्लोक में दान की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया है, इस दान की प्रवृत्ति को बड़ा माना गया है। और इसमें इसी के हिसाब से एक दूसरे जंतु को कहा गया है, जैसे कि मधुमक्खियां। मधुमक्खियों को श्रम करने के लिए, उन लोग अपने श्रम के कारण प्रसिद्ध हैं। उन लोग क्या करती है, फूलों में बिचरती है, सब फूलों में जाकर वहाँ से शहद लेती है, मधु लेती है, उसको फिर जमा करती है, जमा करके अपना छत्ता बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर उस मधु को उन लोग खुद ही उपभोग कर लेती है, खुद ही उन लोग उस मधु को पी लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका पूरा शहद नष्ट हो जाता है, कोई ले लेता है, या फिर कोई खा लेता है, या फिर कुछ हो जाता है। तो क्या होता है, उन लोगों के थोड़ा सा मधु बनाने के लिए हजारों मधुमक्खियों को इतना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है तो शायद, क्या पता, मधुमक्खी लोग बोलती होगी जो कि काश हम लोगों ने इस मधु का उपभोग कर लिया होता पहले, या फिर शायद, क्या पता, उसमें से कुछ दानी मधुमक्खियाँ सोचती होगी कि काश हम भी महाराज बलि के जैसे, या कर्ण के जैसे, या विक्रमादित्य के जैसे उसको दान कर देते। तो दान करने से क्या होता, कोई तो खाता उसको, कोई तो उसका उपभोग करता, और फिर दान करने से नाम भी हो जाता है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हमें खाने पीने की चीज़, धन धान्य, ये सब चीज़ हम संग्रह करें,
इसको बचाए, इसको बंद करके रखे, इसका भाव बढ़ाए, इसका क्या करे, या फिर इसको दान कर दे, जितना हमें जरूरत है उसको रखे और बाकी दान कर दे। सानंदं सुदनं सुताश्च सुध्यः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनं स्वयोषिति रितिः स्वाज्ञापराः सेवकाः अतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन से गृहस्थ, एक घर जहाँ पे बीवी है, बच्चे हैं, पति है, सब लोग हैं, कौन सा घर सबसे आदर्श घर होता है, एक परिवार, आदर्श परिवार किन 10 चीजों के कारण बन सकता है। पहला चीज इसमें यह है कि घर में यज्ञ अनुष्ठान, हर अच्छे चीज, जितने भी अनुष्ठान है, यज्ञ है, कोई भी उत्सव है, ये सब होता रहे। जिस घर में ये चीज होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उत्सव होता है, ये सब चीज अगर एक घर में हो तो वो घर सुख शांति से रहता है। ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज है, घर की जो बीवी है, घर की जो पत्नी है, जो माँ है, वो मधुर भाषिणी हो, उसका जो व्यवहार हो दूसरों के संग वो बहुत ही मधुर हो, वो जो बोले, जो वो आपस में बोले, अपने पति के साथ बोले, अपने बच्चों के साथ बोले, जो बाहर से आए उन लोगों के साथ जो बोले वो मधुर हो, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो। फिर तीसरा चीज है, जो उसके संतान जो है, घर में जो बच्चे हैं, वो सब सुशिक्षित हो, शिक्षित खाली नहीं, सुशिक्षित हो, अच्छे पढ़ाई करें, अच्छा पढ़ाई के प्रति उनके घर के माँ बाप का और बच्चों का, सबका, बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनमें चाहत हो, वो बच्चों को शिक्षा दिलाए, बच्चों को बड़ा से बड़ा ज्ञान दिलवाए, और बच्चे लोग भी ऐसे हो जो कि ज्ञान को लेने के लिए तत्पर हो। फिर घर में इतना पैसा हो कि घर में उन लोग सुख शांति से रह सके, क्योंकि घर में अगर पैसा नहीं होगा तो सुख शांति नहीं होगा। और अगर घर में बहुत ज्यादा पैसा है, उसका मतलब लोग घर के में सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तब भी घर में सुख शांति नहीं होगा। तो जितना पैसा जरूरत है उतना पैसा घर में हो। अगला है, जो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पे आसक्त हो, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को चाहते हो, ये नहीं जो पत्नी पति को पसंद नहीं करती हो या विश्वास नहीं करती हो, या पति पत्नी को पसंद नहीं करता हो, विश्वास नहीं करता हो, इसके कारण तकरार हो, झगड़ा हो, इससे बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो पति पत्नी के बीच में आपस में परस्पर प्रेम हो, और जो सेवक हो, घर के जो सेवक हो, ये सब स्वामी भक्त हो, ये सब आज्ञा पालक हो, ये स्वामी के साथ झगड़ा ना करे, तकरार ना करे, स्वामी का आज्ञा पालन करे, क्योंकि सेवक अगर स्वामी का आज्ञा पालन करेगा तो स्वामी का सेवक के प्रति प्यार बढ़ेगा, और फिर स्वामी सेवक का ध्यान रखेगा, जब सेवक स्वामी का ध्यान रखेगा, स्वामी के परेशानियों का ध्यान रखेगा। इसके बाद अतिथि, जो भी, क्योंकि हमारे समाज में ये कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान माना गया है, कि जब अतिथि आए एक घर में, एक घर जो संपन्न घर हो उसमें जब अतिथि आए, तो अतिथि को देने के लिए, अतिथि को खिलाने के लिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए जो मन में भावना होती है, ये भावना बच्चों में रहे, ये भावना पत्नी में रहे, पति में रहे, घर के सेवकों में भी रहे। तो अतिथि का सत्कार ये जिस घर में होगा वो घर भी शांति से भरा हुआ होगा। अगला चीज है,
शिव पूजन, जिस घर में शिव की पूजा हो, शिव की आराधना हो, वो घर भी शिव और पार्वती ये दोनों ही पति पत्नी के रूप में, बहुत ही इन लोगों का एक अलग ही मुकाम है। क्योंकि शिव को भी पार्वती और शिव अर्धनारीश्वर के रूप में, और फिर पार्वती का कई जन्म और ये सब चीजों के कारण शिव और पार्वती का जो एक संगम है, एक मिलन है, उसका जो मिसाल है, उसका जो उदाहरण है, ये भी ये विष्णु और लक्ष्मी और उधर ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों से ज़्यादा शिव और पार्वती का जो परिवार का जो एक गठन है, इसके कारण जिस घर में शिव की पूजा होती है, ये मैं मुझे लगता है कि जिस घर में शिव की पूजन होती है उस घर में, क्योंकि शिव का एक परिवार के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण है, तो वो परिवार भी, जो परिवार शिव की पूजन करता है, वो परिवार भी सुखी रहता है। और अंतिम दो जो चीज है वो ये है, जो कि घर में अगर कोई मित्र आए, उन मित्रों का आदर पूर्वक सत्कार हो, उन मित्रों को पूरा अच्छी तरह से देखभाल किया जाए, मित्रों को, उनके परिवार को, मित्र भी उनका देखभाल करे, और इस तरह से जो घर में मित्रों की, जो मित्रों को जो अपनाते हैं, जिस घर के मित्र होते हैं बहुत, और उनको मित्रों को अतिथि से भी ज़्यादा सत्कार मिलता है, उस घर में भी शांति और अच्छाई रहती है। इसके सिवा अंतिम चीज जो है, जो इस श्लोक में अंतिम हिसाब से कहा गया है, वो ये है कि जिस घर में महात्माओं को श्रद्धा से उनको कबूल किया जाता है, जिस घर में महात्माओं का, ज्ञानियों का श्रद्धा किया जाता है, ज्ञानियों के लिए, जिस घर में ज्ञानियों के लिए जगह है, ज्ञानियों के लिए इज्जत है, ज्ञानियों के लिए स्वागत है, वो घर भी, वो घर जिसमें ये दसों गुण है, तो दसों दिशाओं से, मैं ये सोचता हूं कि जिस घर में ये दसों गुण है, चाहे वो घर हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे जहां भी एक घर का एक हालात हो, जहां पे घर के जैसे एक हालात हो, जो अपने घर को या संस्थान को घर के जैसे हालात में लाना चाहता है, उसको अमर निजेर माई ओन बनाना चाहता है, उस घर में, उस जगह पे ये दसों चीज अगर होंगी, तो दसों दिशाओं से उस घर में अच्छा ही अच्छाई फैलेगी, उस घर का अच्छा ही अच्छा होगा। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने षठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने समयः खलजने विद्वज्जने चार्जवं शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता इत्थं ये पुरुषाः कुललास्ते श्वेव लोकस्थिति हस्तो दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुदरं गर्वेण तुंगं शीरो रेवे जम्बूक मुंच मुंच सहसा नीचं सुनिद्धं वपुः। हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस दुनिया में रह के, इस संसार में रह के लोकाचार, लोकाचार को जानना, लोकाचार माने किसके साथ, किस संबंधी के साथ, क्योंकि हर एक इंसान के साथ हमारा अलग अलग रिश्ता होता है, तो किस संबंधी के साथ क्या या कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा, किस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए। जैसे कि जो सगे संबंधी हैं, जो अपने रिश्ते नाते हैं, उनके साथ उदारता, उनके साथ
उदार होके उनके साथ तुम करो, उनके लिए उदार हो जाओ। उदार हो जाओ माने उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दो, उनके लिए अपने आप को पूरी तरह से दे दो। फिर जो नौकर चाकर है उनके साथ दया दिखाओ, उनके साथ कठोरता नहीं, उनके साथ कुछ और नहीं, उनके साथ दया दिखाओ। क्योंकि दया दिखाओगे तभी तुम नौकरों के साथ, अपने जो सेवक है उनके साथ तुम खुशी से एक साथ मिलकर रह सकते हो। जो दुर्जन होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ कठोरता, दुर्जन व्यक्ति के साथ कोई लिहाज नहीं, दुर्जन व्यक्ति के साथ पूरी तरह से कठोर होके तुम उनके साथ बर्ताव करो। जो सज्जन होते हैं उनके साथ अनुराग, सज्जनों के साथ अनुराग, अनुराग के अनुराग उनके साथ रखो, उनके साथ अच्छा। सज्जन अगर है तो उनके साथ तुम भी अच्छे बनो, अनुरागी बनो, उनके अच्छाई का अच्छा बदला दो, अच्छाई के साथ उनके अच्छाई के साथ, क्योंकि वो सज्जन पुरुष है, वो तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, तो उनके अच्छाई के साथ तुम भी अच्छा करो। और जो नीच है, जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ कठोरता से उनके साथ पेश आओ, कठोर बन जाओ उनके साथ। जो नीच है उनको छोड़ो मत, नीचों के साथ हर समय कठोर रहना चाहिए। जो नीच पुरुष होते हैं उनके साथ तुम अपने श्रेष्ठता, अगर वो नीच है तो तुम अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो, तुम जो उससे श्रेष्ठ हो, वो जो नीच है इस चीज का तुम प्रदर्शन करो जो कि तुम श्रेष्ठ हो, अपने श्रेष्ठ होने का प्रदर्शन करो उसके साथ। और जो विद्वान लोग हैं उनके साथ विनयशीलता दिखाओ, उनके साथ विनयी हो जाओ, उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो लगे जो कि देखो ये हमारे ज्ञान का, हमारे विद्या का इज्जत कर रहा है, हमारे विद्या को वो छोटा नहीं समझ रहा है, हमारे विद्या को वो समझ रहा है, हमारे विद्या के बारे में अच्छा समझ रहा है, हमें भी इज्जत कर रहा है, हमारे विद्या को समझ रहा है। जो तुम्हारे शत्रु हैं इन शत्रुओं के प्रति अपनी शूरता का प्रदर्शन करना है, जो कि तुम कितने शौर्यवान हो, शत्रु के सामने तुम्हें और कुछ नहीं सिर्फ अपने शौर्य का प्रदर्शन करना है। इसके सिवा जो गुरु है, जो गुरु लोग हैं उन गुरुओं के सामने सहनशीलता, वो गुरु अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो गुरु है। गुरु के सामने सहनशीलता, तुम अपने पेशेंस दिखाओ, तुम्हें अगर गुरु के प्रति अगर गुस्सा भी आ रहा है, गुरु के प्रति तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो फिर भी गुरु के प्रति तुम अपनी सहनशीलता को दिखाओ, अपनी पेशेंस को दिखाओ, जो कि तुम कितने सहनशील हो, तुम उससे नाराज नहीं हो रहे हो। क्योंकि तुम गुरु के ऊपर अगर नाराज हो जाओगे, गुरु के ऊपर अगर गुस्सा दिखाओगे, फिर तो आगे फिर तुम्हारा कौन मालिक होगा वो तो तुम समझ लो। और आखिर में चाणक्य ने इसमें कहा है कि स्त्रियों के प्रति, जो स्त्रियां होती हैं उनके प्रति अपने चतुराई का प्रदर्शन करो, उनको तुम दिखाओ जो कि तुम चतुर हो, तुम उनके बातों पे नहीं आओ, वो तुम्हें किसी तरह से भी समझाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, तुम अपने चातुर्यपूर्ण व्यवहार से उसको जय कर लो। तो स्त्रियों के प्रति हर समय चतुर रहना है, स्त्रियों के सामने कभी भी समर्पित नहीं रहना है, चतुरता से स्त्रियों के साथ व्यवहार करना है। तो ये सब जो 10 11 12 चीज जो है, ये चीज अगर तुम अगर ध्यान रखोगे तो तुम लोकाचार जान सकोगे, किस तरह से समाज में, दुनिया में, क्योंकि यही हमारे अपने जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ये सब रिश्ते नाते, ये सब लोग जरूर आते हैं, या फिर इनमें से अधिकतर लोग आते हैं, तो इनके साथ तुम कैसे, इनके साथ इनको लेके कैसे चल सकते हो, इनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हो, ये तुम इस श्लोक से सीख सकते हो। इस श्लोक में ये कहा गया है कि वो इंसान जिसने अपने जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उस इंसान को हिंसक पशु भी
उसके लाश को खाना नहीं चाहते हैं। तो मतलब अगर तुम अपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जो शरीर है मरने के बाद, उस शरीर को अगर तुम दफना दोगे तो शायद कीड़े मकोड़े उसे नहीं खाना चाहेंगे, वो सड़ जाएगा अंदर, या फिर उसको अगर पड़ा रहेगा कहीं तो, क्योंकि कुछ लोग ज़ोरास्ट्रियन लोग जैसे होते हैं, उन लोग शरीर को रख देते, तो शायद हिंसक पशु भी उस लाश को नहीं खाए। तो इसका मिसाल देने के लिए, इसका उदाहरण देने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि दो सियार लोमड़ी गीदड़, दो सियार जंगल में एक बार उन लोग एक इंसान का एक लाश देखते हैं। तो जो जवान सियार है, जवान जो लोमड़ी है, वो जाता है उसको खाने के लिए, बोलता है जो कि कितना अच्छा खाने का चीज़ मिला है, तो वो उसको खाने के लिए जाता है। तभी जो बूढ़ा सियार जो होता है उसको बोलता है, नहीं 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 मत खाओ इसको, रुको रुको तुम जरा रुको। तो जवान सियार बोलता है, क्यों, ये तो खाने का चीज़ है, मैं खा लेता हूँ, मरा हुआ है। तो उसको जो बूढ़ा सियार जो होता है, जो वृद्ध सियार है, उसको समझाता है, देखो ये जो व्यक्ति जो मरा है और इसका लाश ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस आदमी को मत खाओ, क्योंकि इसका शरीर का कोई भी अंग तुम्हारे खाने लायक नहीं है, तुम खाओगे तो शायद और तुम्हारा ही बुरा हो जाएगा। तो क्यों, तो जवान सियार ने शायद पूछा उससे जो कि क्यों, ऐसा क्यों, मैं क्यों ना खाऊं। तो उसने बोला है जो कि ये जो आदमी है इसका एक एक अंग बेकार है, क्योंकि कभी, जैसे कि इसका हाथ, इसने अपने हाथ से कभी भी दान नहीं दिया है। तो जो हाथ कभी दान नहीं देता है वो हाथ बेकार है। फिर इसने अपने कानों से कभी भी शास्त्रों को नहीं सुना है, कभी भी अच्छे ज्ञानियों के बातों को नहीं सुना है, तो इसके कान भी बेकार हैं। इसने अपने आँखों से कभी कोई साधु महात्माओं के दर्शन नहीं किए हैं, कोई ज्ञानी पुरुष, साधु महात्मा, इन लोगों के दर्शन नहीं किए कभी इसने, तो इसकी आँखें भी बेकार हैं। इसी तरह से इसने अपने पैरों से कभी भी तीर्थों का दर्शन नहीं किया है, कभी किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गया है, किसी तीर्थ में नहीं गया है। तो जो इंसान कभी किसी तीर्थ यात्रा में नहीं जाता है, किसी अच्छे जगह में नहीं जाता है, तो उसका पैर भी बेकार है। फिर इसने अन्यायपूर्वक कमाया हुआ, किसी को धोखा देके, किसी के साथ बेईमानी करके कमाया हुआ धन खाया है, अपने पेट में उस धन को लेके गया है, तो उसका पूरा पेट, उसका पूरा शरीर उस धन, अन्यायपूर्वक कमाए हुए भोजन का शिकार है। उसके बाद और जो मेन चीज है, इसका जो सर है, जो सर तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ना, पेट से भी बड़ा, पेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, पेट से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर के अंदर बुद्धि होता है, दिमाग होता है। इसका सर हर समय दंभ से, गुमान से और प्राइड से, हर समय सर इसका एकदम तना हुआ ऊंचा रहा है। तो इसके कारण इसके शरीर का कोई भी अंग, जैसे वो संस्कृत में वो एक श्लोक है कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो उसी के हिसाब से कि इस आदमी का सर हर समय गर्व से, घमंड से, प्राइड से तना हुआ रहा है, तो इसके कारण इसके शरीर का कोई भी हिस्सा खाने लायक नहीं है। तो तुम भी इसको मत छुओ, खाना तो दूर की बात है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंसान को अपने शरीर के हर एक अंग से, अपने हाथों से उसको दान करना चाहिए, अपने कानों से शास्त्रों को सुनना चाहिए, अच्छाई को सुनना चाहिए, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, अपने आँखों से महात्माओं के दर्शन करने चाहिए, अपने पैरों से चल के तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, अपने पेट में, अपने मुंह से
सिर्फ अच्छे ही वचन बोलने चाहिए, अपने मुंह से, अपने पेट में सिर्फ न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक रोजगार का किया हुआ, कमाया हुआ धन ही खाना चाहिए, धन का, धन से उपार्जन किया हुआ खाना ही खाना चाहिए, और अपने सर को कभी भी दंभ से तन के नहीं रखना चाहिए। इन सब चीजों को अगर मानोगे तो तुम्हारे शरीर का और उस शरीर में बंद अनजान आत्मा का उद्धार होगा। तो अपने शरीर को, अपने आत्मा का उद्धार करो, यही श्लोक का प्रयाग है। महान जब भारत अपना चाणक्य थे, टीचर अपने अपना वो टीचर रहे, ना रहा भारत।